नितेश राणे जो बीजेपी के एमएलए हैं, वो जन आक्रोश हिंदू मोर्चा के लिए मालेगांव शहर आए हुए थे और उनके विरोध में अमन शांति मोर्चा हम लोगों ने निकाला था और सेम डे उनको जवाब देने का हमने जवाब दिया और कड़क जवाब दिया। लेकिन उसके दूसरे तीसरे दिन शहर के हमारे सेंट्रल असेंबली हलके के एमएलए साहब हो या और सोशल वर्कर हो, वो बाद में, असल में आप लोगों ने बहुत आदत लगा दी यूट्यूब की, आप लोगों का इस्तेमाल करते हैं, आप जैसे लोगों को बुलाकर यूट्यूब पे बयान देने की उन्होंने शुरुआत की। सेम डे मैंने डिमांड किया था कि नितेश राणे किले का दौरा करता है, उसके प्रोग्राम के अंदर जो बीजेपी एमएलए का जो प्रोग्राम डिक्लेयर हुआ था उसमें पहला पानी दौरा यानी विजिट ये किले की थी। और मैं बोलता हूँ ना कि हमारे प्रशासक ये शहर के हित में नहीं है, ये भेदभाव करने वाला प्रशासक और कमिश्नर, मेरा आज भी आरोप है। जहाँ तक मुझको समझता है कि सरकार का एक जीआर है कि अपोजिशन पार्टी का एमएलए हो या महाराष्ट्र असेंबली के अपोजिशन लीडर हो, वो आड़ावा बैठक नहीं बुला सकते। और संडे के दिन एक एमएलए वो यहाँ आता है और कमिश्नर उसके साथ दौरा करता है किले का, ये बहुत बड़ा सवाल है शहर के एमएलए साहब से। पहले तो आपको चैलेंज करके चला गया, आपके मतदार संघ के अंदर आकर सेंट्रल असेंबली के अंदर ये किला आता है, बाह्य में नहीं आता, जब आपने क्यों आवाज़ नहीं उठाई। और आप जो पाखंड कर रहे हो, ये पाखंड बंद करो, इजलास शुरू हो रहा है वहाँ आवाज़ उठाओ असेंबली का। और मैं तो बोलता हूँ कि ये किले के अंदर, मैं स्कूल के खिलाफ में नहीं हूँ, मैं आज भी बोल रहा हूँ बार बार, एजुकेशन के खिलाफ में मैं नहीं हूँ, कोई भी समाज हो, कोई भी धर्म हो, कोई भी उनकी तालीम हो, वो होना चाहिए, मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ से जो आरएसएस की रैली निकलती, आरएसएस का ट्रेनिंग कैंप यहाँ पर है, पहले पुलिस प्रशासन ने और सरकार ने पहले उसको बंद करवाना चाहिए, बाद में झोपड़पट्टी का नाम लेना चाहिए। और मैं ये जानता हूँ कि झोपड़पट्टी की आवाम, ख़ास तौर से शाह बिरादरी के लोग और जो पंच कमेटी बनी थी, जो तमाम ही झोपड़पट्टी के रहवासी है उसके अंदर, वो जानते हैं कि रहनुमाई लोक आयुक्त तक मैंने पहले कर चुका हूँ, लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से अभी मैंने दौरा नहीं किया हूँ, लेकिन उनसे मैं जानकारी लूँगा। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि कमिश्नर साहब, प्रशासक जो एमएलए साहब की गोद में बैठे हुए और एक मंत्री साहब की गोद में बैठे हुए हैं, तो ये असल में जो मिली भगत है ना, ये बंद होना चाहिए। और बाकी तो हमारे असलम अंसारी साहब ने उनके इंटरव्यू के अंदर सब बातें का खुलासा कर चुका हूँ, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि पाखंड बंद करना चाहिए, जब वक्त था जवाब देने का, जब नहीं दिए। और मैं क्या एकदम साफ तौर पर बोलता हूँ, न प्रशासक की ताकत है, न कलेक्टर की ताकत है और न पुलिस डिपार्टमेंट की ताकत है कि झोपड़पट्टी को आके बुलडोज़र चला दे। ये सिर्फ यूट्यूब के ऊपर बयान देना अच्छा लगता है कि बुलडोज़र के आगे मैं खड़े हो जाऊंगा, इनकी खड़े रहने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी, पूरा शहर खड़े हो जाने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया।